नमस्ते दोस्तों, नए साल आने वाले हैं और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटा तीखा स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। हमेशा आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आती हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा कि रेसिपी कैसी लगे। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें हम 2 छोटी चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। तो तेल भी अच्छा खासा यहाँ पे गर्म हो चुका है क्योंकि हमने पहले से पैन गर्म करके रखा था। अब इसमें हम 2 छोटी चम्मच यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। तो उतना ही भूनना है बस, इसका कच्चापन दूर हो जाए। और साथ में यहाँ पे हमने मटर के दाने लिए हैं, अभी मटर मार्केट में आ रहे हैं तो मटर इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है। और साथ में यहाँ पे टमाटर ही लिया है हमने, तो टमाटर अभी हम थोड़ा सा 1 मिनट हल्का सा ये भून जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखा है और यहाँ पे अब हम टमाटर भी डाल देते हैं। तो प्याज हल्का सा कुक हो गया, बिल्कुल इसे हमें ब्राउन नहीं करना है प्याज को। तो देखिए टमाटर को डालने के बाद टमाटर को हम थोड़ा सा गलने देंगे, थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर लाने के लिए इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। साथ में यहाँ पे हम कॉर्न ले लेते हैं, ये फ्रोजन कॉर्न है, स्वीट कॉर्न, आप इसे डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। सकते हैं टमाटर हल्के गलने शुरू हो गए हैं, गलने शुरू किया हो गए, आधे यहाँ पे हल्के से गल गए हैं, तो पूरा मैश ही नहीं करना है हमें टमाटर को। तो अब इसमें हमने यहाँ पे 2 से 3 काजू लिए हैं, ये रोस्टेड काजू है, चाहे तो आप कच्चे भी डाल सकते हो यहाँ पे, इसमें भूनते समय ही पक जाएंगे। इसे हम बारीक काट के डाल रहे हैं, चाहे तो आप इसमें मूंगफली भी ऐड कर सकते हो, चाहे किशमिश भी ऐड कर सकते हो, कोई भी एक ड्राई फ्रूट्स में आप ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ 1/4 चौथाई हमने जीरा का पाउडर लिया है, भुना हुआ जीरा का पाउडर। साथ में है चाट मसाला हमने लेंगे 1/4, और साथ में 1/4 हम यहाँ पे गर्म मसाला ऐड कर लेंगे, और साथ में 1/4 हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे हरी मिर्च भी आप काट के ऐड कर सकते हो। गैस का फ्लेम यहाँ पे हम लो कर देंगे क्योंकि हमारे मसाले जल ना जाएं। अब यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे, उबले हुए आलू हैं ये, इन्हें अच्छे से हम मैश कर लिए हैं, इसमें गुल्ठियाँ बिल्कुल भी नहीं है। इसे डालते हुए इसे हम भूनेंगे, गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई कर देंगे दोबारा से, ताकि आलू जो है ना अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए। और यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देते हैं और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे आलू के भुनने तक। बस आलू के ही इसमें भुनना है और बाकी ये हमारा रेडी है। साथ में यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी है, उसे भी हम डाल देते हैं। तो इसे हम फटाफट मिक्स कर देते हैं और ये हमारा आलू का मिक्सर तैयार है। अगर आप आलू नहीं खाते तो सिर्फ वेजिटेबल्स कभी इसमें आप बना सकते हो, सिर्फ वेजिटेबल ही बना लो। अब यहाँ दूसरी तरफ हमने एक बॉल लिया है, इसमें हम 3 बड़े चम्मच मैदा लेंगे। जी हाँ, हम यहाँ पे मैदा यूज कर रहे हैं, तो 3 बड़े चम्मच हमने मैदा लिया है और साथ में 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा ले रही हूँ। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं इसमें चावल का आटा क्यों डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच 3:1 का रेशियो है यानी। अब इसमें हम 1/4 गोल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और साथ में यहाँ पे नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, 1 छोटा सा चम्मच। और साथ में यहाँ पे हम मिक्स हर्ब ले रहे हैं जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, चिली फ्लिक्स भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ हमने मिक्स हर्ब लिया है, उसे भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे सिंपल भी बना सकते हो। अब पानी की सहायता से इसका एक गाढ़ा घोल हम तैयार करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा ही पानी करके ऐड करें, एक ही बार में पानी ऐड ना करें नहीं तो आपका घोल पतला हो जाएगा। तो धीरे थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के घोल बनाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा घोल अच्छे से तैयार हो गया, बिल्कुल गाढ़ा तैयार हुआ है, ना पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, मीडियम। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे ब्रेड लिए हैं, ये वाइट ब्रेड है, हमने क्वांटिटी में 4 लिए हैं यहाँ पे ब्रेड। आप चाहो तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ्रेश हमने ब्रेड लिया है, फ्रेश ही ब्रेड यूज़ करें। अब इसे हम अच्छी तरह से बेल लेते हैं, इसके साइड के भाग को आप चाहें तो निकाल सकते हैं, मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, आप चाहें तो इसमें हटा सकते हैं जैसा मैंने आपको बोला। इसे अच्छे से बेल ले, फ्लैट कर ले बेलन की सहायता से, तो फ्रेश रहेंगे तो आसानी से बेल जाएंगे। जो ब्रेड बेल कर तैयार किया था वो ले लेते हैं और जो घोल बनाया था वो भी ले लेते हैं और इसके चारों साइड्स पे ये घोल को हम लगा लेते हैं और इसके अंदर ये हम आलू का स्टफिंग भरेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे, जितना आए, इतना ज़्यादा ना ले लीजिएगा कि ये
फट के बाहर निकल जाए। तो एक बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे स्टफिंग ले लिया है। आप चाहो तो इसमें पनीर की फिलिंग्स दे सकते हो, वो भी बहुत ही मज़ेदार हो। सिर्फ सब्जियों की भी फिलिंग्स दे सकते हो, अगर आलू नहीं खाना पसंद करते हो तो बहुत सारे स्टफिंग की इनोवेशन कर सकते हो। आप इसमें चिकन भी डाल सकते हो। तो ये देखिए कितनी आसानी से चिपक गया, क्योंकि हमने ब्रेड के चारों कॉर्नर पे यहाँ पे मैदे का यहाँ पे घोल लगाया था। तो उसी तरह से आप भी बनाकर यहाँ पे तैयार करें, नहीं तो इस तरह से ब्रेड के ऊपर से ये देखिए इस तरह से यहाँ पे फैला के लगा दें यहाँ पे मिक्सर को, और फिर उसके बाद चारों कॉर्नर पे लगाएं मैदे का घोल। तो आप दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पे चिपक गया। देखिए इसी तरह से आपको बनाकर तैयार कर लेना है। अब ये हमने जो घोल बनाया था ना, इसमें हम अपने ब्रेड को इसमें डिप करेंगे, अच्छे से कोट कर लें और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो हमने घोल बनाया है ना, अगर वो पतला होगा ना तो इसमें जाते ही ना वो फैल जाएगा। तो आपको हल्का गाढ़ा घोल बनाकर ही रेडी करना है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। हाई फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे, कि ऊपर का लेयर सूखा नहीं है, थोड़ा सा गीला है। तो बहुत सारे केस में होते हैं कि जब हम पलटते हैं तो जो उस पर का घोल होता है ना, वो भी तेल में जाके बिखर जाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है कि आप इसके ऊपर से थोड़ा सा गर्म तेल डाल दें तो वो सेट हो जाएगा, तो आपको पलटने में आसानी होगी। तो इससे और हम फ्राई कर लेते हैं। डार्क कलर आने की अच्छी तरह से यहाँ पे इसका कलर आ गया, बहुत ही क्रिस्पी। जो हमने चावल का आटा डाला था ना, ये सुपर क्रिस्पी देर तक रहने देगा। अब ये देख सकते हैं, इसे हमने बाहर निकाल लिया है। ये जो साइड में थोड़ा सा हम हटा देते हैं और चाकू की सहायता से इसे हम बीच से इस तरह से स्लिट करके इसे 2 भागों में कर लेते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बना, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया ना, तो ये देर तक बहुत ही क्रिस्पी बना रहा था, बहुत ही क्रंची। तो देखिए चाकू की सहायता से इसे मुझे कट करना पड़ा है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसमें फिलिंग्स इसमें ऐड है। अब इसे और भी चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे अभी टोमेटो केचप, इसमें हम ऐड करेंगे। तो इसमें 1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं, जितना यानी आप अपने स्वाद के अनुसार, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे हमने ये पुदीने की चटनी, यानी हरे धनिया और पुदीने की चटनी इसमें हम ऐड कर देते हैं। ये जो सिंपल धनिया की चटनी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, दही धनिया की भी चटनी ऐड कर सकते हो, कोई भी खट्टी मीठी आप हरी धनिया की चटनी हरे ऐड कर सकते हो। साथ में यहाँ पे हमने बंद गोभी लिए, कैबेज, उसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, तो उसे भी हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो आप इसमें अच्छे से फिल करें इस बंद गोभी को। साथ में थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, और साथ में यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़े से मेयोनीज, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर के लिए। तो देखिए मेयोनीज डालने के बाद ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर इस तरह से आप बनाओगे ना तो सारे चाट और समोसे भूल जाओगे, तो इस तरह से ज़रूर बनाएं। साथ में मेरे पास यहाँ पे तीखे सेव हैं, या आलू भुजिया भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, उसे हम डाल देते हैं। तो ये तो एक इस तरह से हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब थोड़ा से मैं बच्चों के लिए भी बना ली, तो बच्चों के अब बड़ों को भी इस तरह से पसंद आते हैं। तो सेम प्रोसेस, टोमेटो केचप डाला है, हरी चटनी डाली है, थोड़े से बंद गोभी, थोड़े से प्याज, थोड़े से मेयोनेज इस तरह से इसके ऊपर से डाल दें। आप इस पर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, साथ में थोड़ी सी भुजिया, ऊपर से थोड़ा सा और केचप, थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी, और लास्ट में एक हम चीज डालेंगे, वो है चीज। तो चीज से इसका स्वाद और दुगना बढ़ जाता है। अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, चीज भर कर डालें, थोड़ा डालें, जैसे डालना है डालें, बस आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो ये देखिए बहुत, चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं दूसरे प्लेट में। तो बहुत ही चटपटा, क्रिस्पी, मज़ेदार हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप बनाएं, खाएं और खिलाएं न्यू ईयर्स में।
तो ब्रेड का ये चीज आप पहले से भी बना कर रख सकते हो, फ्रीज में स्टफ करके रख दें, घोल रख लें, बस जब आपको बनाना है गर्मा गर्म इसे लपेटे और फ्राई करके इस तरह से आप दे सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आने वाले, खासतौर पर बच्चों को। अगर बच्चे आपके बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, उनको ये टक्कर दे सकता है, तो ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।